पर गंगा का जो जल स्तर है सामान्य स्तर जो रहा है उससे 1 मीटर ऊपर अभी भी चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी घाटों पर हमारा स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा क्योंकि ये महिला प्रधान उत्सव है। पूरे पटना जिला को 34 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक घाट पे मिनी कंट्रोल रूम रहेगा, 2 मेजर जिला स्तर के कंट्रोल रूम रहेंगे। पटना में छठ पूजा को लेकर तैयारियां एक तरफ जोरों शोरों से की जा रही है, अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन लगा है, वहीं पटना पुलिस भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में भी जुटी है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। देखिए, 2 सालों के बाद कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आया है और उसके बाद अब छठ महापर्व खूब विशाल रूप से पटना में मनाया जा रहा है। ऐसे में अब पटना पुलिस भी अलर्ट है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो के अनुसार पटना पुलिस को तमाम चौक चौबंद के बीच छठ पूजा को संपन्न करवाना है और देखिए कई तरह के सुरक्षा इंतज़ाम पटना में किए गए हैं और जिसको लेकर तैयारियां पटना पुलिस भी कर रही है। बाहर से पुलिस फोर्स मंगाए जा रहे हैं, वॉच टावरों का निर्माण उन तमाम घाटों पर करवाया जा रहा है और साथ ही साथ उन तमाम घाटों पर जो कंट्रोल रूम है उसका निर्माण भी करवाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो छठ पूजा पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अभी तक छठ की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो रही, हालांकि निरंतर चलेंगी। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता है घटता है उसी के हिसाब से कुछ कुछ लास्ट मिनट पर चेंजेस होती है। अभी तक कुल 17 घाट हैं जिसका सूची आप लोगों को कल DPRO साहब डाल भी थे, जिसको खतरनाक घाट घोषित किया गया है। इस बार जो सबसे बड़े जो 2 इम्पॉर्टेंट घाट हैं, कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट, क्योंकि वहाँ पर जल स्तर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर इस बारी छठ नहीं हो रहा है। तो उसी में जो बहुत से छठ व्रती पहले आते थे उनको वैकल्पिक रूप से 93 नंबर घाट, 88, 92 पाटीपुल, इन घाटों पर जाने का हम लोग परामर्श दिए हैं। हालांकि इस बारी जो घाटों का क्षेत्रफल भी देखते होंगे क्योंकि इस बारी गंगा का जो जल स्तर है सामान्य स्तर जो रहा है उससे 1 मीटर ऊपर अभी भी चल रहा है, तो घाटों का क्षेत्रफल पिछले वर्षों के कंपैरेटिवली कम है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात आज हमारे साथ उपस्थित है, आपको ब्रीफ करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी घाटों पर हमारा स्टैटिक डेपुटेशन रहेगा क्योंकि ये महिला प्रधान उत्सव है, इसमें महिलाओं की अधिक संख्या रहती है, तो महिलाओं जो हमारा महिला आरक्षी है प्रत्येक घाट पर प्रतिनियुक्त रहेगा। पूरे जो हम लोगों के छठ घाट हैं गंगा के भी हैं और इसके अलावा पुनपुन के हैं, सोन के हैं, उलार में हम लोगों का मेजर छठ होता है, मंगल तालाब है, शहर में कुल 32 तालाब हैं जहाँ पर मेजर छठ होता है। तो पूरे पटना जिला को 34 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में DSP रैंक के पदाधिकारी को चार्ज दिया गया है। इनकी प्रतिनियुक्ति CID, BMP, स्पेशल ब्रांच एवं अन्य इकाइयों से पटना जिला बल को 4 दिनों के लिए की गई है। आज 4 बजे हम लोगों ने संयुक्त ब्रीफिंग भी रखा है इसके मेमोरियल हॉल में और छठवर्तियों की मदद के लिए पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी। हर एक घाट पे मिनी कंट्रोल रूम रहेगा, 2 मेजर जिला स्तर के कंट्रोल रूम रहेंगे। एक तो पहली बार क्योंकि JP गंगा पथ खुला है तो रोटरी पे रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ अब दीघा वाली साइड से वहीं पे होगी, और एक लॉ कॉलेज घाट पे हम लोगों का नियंत्रण कक्ष रहेगा। इसके अलावा जो हम लोगों की क्विक रिस्पांस टीम्स हैं जहाँ पे मेजर घाट हैं जैसे पाटीपुल हो गया, 93 हो गया, लॉ कॉलेज घाट हो गया, गांधी घाट हो गया, कंगन घाट हो गया, वहाँ पे रहेगा। NDRF और STF की जो प्रतिनियुक्ति है, टोटल 8 यूनिट हम लोगों को मिले हैं। इनको पूरे गंगा के घाटों पर और कुछ इंपॉर्टेंट घाट जो पुनपुन के और सोन के वहाँ पे हम लोग इनकी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। तो व्यापक सुरक्षा इंतजाम किया जा रहा है। 2 साल के बाद छठ नॉर्मल रूप से मनाया जा रहा है, कोविड को के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और निरंतर हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं क्योंकि इस बारी घाट का क्षेत्रफल कम है, तो गंगा जल को तकरीबन 50 टैंकर्स प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से इंतज़ाम किया गया है कि जो कि लोगों को सप्लाई करेंगे ताकि अगर लोगों को उतनी संख्या में घाटों पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है तो जहाँ पर स्थानीय तालाब है 32 पार्क में तालाब भी बनाए जा रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है ताकि वहाँ पे वो लोग कर सकें, उनको सुविधा हम लोग दे सकें। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग पार्टीज़ को भी बुलाया गया है जो
तमाम घाटों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। वहीं आप जानते हैं कि छठ में बहुत सारे लोग पटना में जो खास कर रहते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, यानी अपने गांव चले जाते हैं, तो चोरी की जो क्राइम है वो बढ़ती हुई नज़र आती है पटना में। तो ख़ास तौर पर इस पर भी पटना पुलिस की नज़र बनी होगी कि कोई भी ऐसे अनहोनी पटना में नहीं देखी जा सके। और वहीं कई जो बदलाव है वो भी देखी जा सकेगी पटना में, और ख़ासकर महिलाओं को लेकर महिला पुलिसकर्मी भी तमाम घाटों पर तैनात रहेंगी महिला की सुरक्षा में। बहरहाल अब देखना होगा कि पटना पुलिस की तरफ से क्या कुछ और तैयारियां दिखती हैं पटना के घाटों पर। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।